शिवपुरी में दिनदहाड़े गोलीकांड राजीनामा की बात करने के लिए बुलाया और मार दी गोली, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। शिवपुरी जिले के देहात थाना अंतर्गत फोरलेन हाईवे पर कार में सवार होकर आए 3 युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के हाथ के आर पार निकल गई। तीनों आरोपित युवक को गोली मार कर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घायल युवक को गोली राजीनामा की बात करने के बहाने मारी गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार फोरलेन हाईवे पर नागावाड़ी क्षेत्र में स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप स्थित शिव शक्ति वेयर हाउस पर रहने वाले कर्मवीर जाट व उसके रिश्तेदारों को हरियाणा के किसी परवीन जाट नाम के युवक से रुपयों के लेनदेन का कोई विवाद चल रहा है। रुपयों के लेनदेन का ये मामला अशोकनगर न्यायालय में विचाराधीन है। इसी क्रम में सोमवार को अशोकनगर में उक्त प्रकरण में सुनवाई के लिए तारीख लगी हुई थी। वहीं आरोपित पक्ष प्रकरण में पेशी के लिए अशोकनगर आए थे। अशोकनगर से लौटते समय आरोपित पक्ष ने कर्मवीर को फोन करके राजीनामा के संबंध में बात करने वेयर हाउस के बाहर बुलाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान अचानक बहस होने लगी और इसी बहस के बीच कार से आए 3 लोगों में से एक युवक हथियार निकलकर कर्मवीर के सीने पर रखकर गोली मार दी। वहीं हालांकि कर्मवीर द्वारा हटने का प्रयास किया गया, जिसके कारण गोली उसके हाथ के आर पार निकल गई। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। एवी रोड शिव शक्ति वेयर हाउस के पास गोली लगने की किसी व्यक्ति को सूचना मिली थी। उस व्यक्ति घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में लाया गया। कर्मवीर जाट नाम है, कहाँ का रहने वाला था? वो यहीं वेयर हाउस के पास ही रहते हैं जी। उनको कोई पूर्व में उनका एक विवाद है, पैसे का लेन देन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उस विवाद जो आरोपी है वो आज पेशी पे आए थे, ये भी गए थे। वहां से लौटने के बाद इनसे कुछ उनसे बहस हुई है। लौटने के बाद उस बहस के दौरान बताया उन्होंने कि उन लोगों ने गोली मारी है जो उनके हाथ में लगी है और वो वहाँ से फरार हो गए। टोटल कितने लोग आए? एक ही व्यक्ति को गोली लगी है। तो क्या जान से मारने के लिए धमकी ममकी दी गई थी पहले, क्या उस तो मामला था? इनका लेन देन का मामला है और लेन देन के मामले में आज वो पेशी पे आए थे न्यायालय में। लेन देन का मामला विचाराधीन है। पेशी से लौटने के बाद उनमें कुछ विवाद हुआ है जिस पर उसने गोली मारी। पेट्रोल पंप में? रिलायंस पेट्रोल पंप में? हाँ, बियर हाउस के पास।